शमशान घाट। हम आप जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का दाह संस्कार किया जाता है और दाह संस्कार करने के लिए उस शरीर को शमशान घाट ले जाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती? आज के वीडियो में हम ऐसे तथ्य जानेंगे कि महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं। शायद आपको ये बातें पता नहीं होंगी। इस तरीके की कहानियों और रहस्यों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें द हॉन्टेड अर्थ इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, शमशान घाट वह स्थान है जहां मृत इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है। ज्यादातर शमशान घाट नदी के किनारे बने होते हैं। आपको बता दें कि शमशान की अग्नि बहुत खराब होती है। शास्त्रों के अनुसार आग 27 प्रकार की होती है। चिता की अग्नि सबसे अलग होती है। शमशान घाट में कोई भी पवित्र और मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है। शमशान में माना जाता है कि भगवान शिव ध्यान मग्न रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शमशान घाट शहर से दूर होने चाहिए ताकि अपवित्र धूल और नकारात्मक ऊर्जा घर में ना घुस पाए। कहा जाता है कि शमशान में भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है, इसलिए रात के समय शमशान घाट के पास से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जब आसमान में चांद दिखाई दे तब से सूर्य उदय होने तक किसी भी जीवित व्यक्ति को शमशान घाट के आसपास नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दिन के समय भी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, जब तक कि उसे किसी के दाह संस्कार में न जाना पड़े। अकारण ही वहां जाना उचित नहीं होता है। आइए जानते हैं कि महिलाओं को क्यों नहीं है शमशान घाट जाने की अनुमति। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जैसे महिलाओं के शमशान घाट न जाने की वजह है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुछ जगहों पर सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं या कुछ काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। इन कामों में महिलाओं का भाग लेना बिल्कुल मना है, या यूं कहें कि संपूर्णतया वर्जित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में नारियल पुरुष फोड़ते हैं, महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। उसी तरह अंतिम संस्कार करने के लिए जब लोग शमशान घाट जाते हैं तो वहां पर सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर महिलाओं को कम आका गया है या उन्हें कम दिखाया गया है। केवल और केवल इसका मतलब इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कार्य निर्धारित किया गया है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। हमारे शास्त्रों में पुरुष और स्त्री को एक बराबर दर्जा दिया गया है, न कोई कम होता है न कोई ज्यादा। कुछ कार्य केवल पुरुष को करने को कहा गया है और कुछ कार्यों को केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। हम कई बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है। इसके पीछे कई सत्य हैं, लेकिन वह सिर्फ ऐसे ही माने जा रहे हैं। पर आज हम आपको ऐसे तथ्य के बारे में बताएंगे जिसका आज से नहीं बल्कि सदियों से पालन होता आ रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाने दिया जाता है। पहला, हिंदू धर्म के लोग जब किसी के अंतिम संस्कार से आते हैं या इसमें शामिल होते हैं तो उसके हिसाब से उन लोगों को अपने बाल मुड़वाने पड़ते हैं। और यह सब बात हम बखूबी जानते हैं
कि महिलाओं को बाल मुड़वाने की इजाजत नहीं है या महिलाएं अपने बाल नहीं मुड़वाती हैं। इसीलिए यह पहला कारण है जिससे महिलाओं को शमशान घाट जाने की इजाजत नहीं मिलती है। दूसरा, एक औरत का दिल पुरुष के दिल से ज्यादा कोमल और नरम होता है क्योंकि उसमें एक माँ का दिल होता है, इसीलिए वह किसी का दुख देख नहीं पाती हैं। औरत अत्यधिक दयालु होती हैं। अगर शमशान घाट पर कोई रोता है तो जिस इंसान का दाह संस्कार हो रहा है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। महिलाएं किसी को जलते हुए देखें और वो रोए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके लिए किसी इंसान की चोट देखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तीसरा, महिलाओं को इसलिए भी शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत ही कोमल होता है। वह मृत्यु के बाद इंसान को चिता पर जलते हुए देखें और कहीं डर जाएं तो उनके लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए भी उनको शमशान घाट जाने की मनाही रहती है। चौथा, महिलाओं के शमशान घाट न जाने की वजहों में सबसे बड़ी वजह यह है कि जब लोग शमशान घाट से मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करके आते हैं तो घर में पुरुष के पैर धुलाने और स्नान करवाने के लिए महिला का घर में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पुरुषों को कोई सामान घर में छूना ना पड़े और बिना छुए उनको पानी वगैरह मिल जाए, जिससे वह अलग ही स्नान कर सके और उसके बाद घर में प्रवेश कर सके, क्योंकि अग्नि देने के बाद शमशान घाट से लौटने पर सर्वप्रथम नहाया जाता है और पहने हुए वस्त्रों को अलग उतार करके रख दिया जाता है और उन्हें बिना धोए सुखाए दोबारा नहीं पहना जाता। पांचवा, यह बात तो हम सब जानते हैं कि शमशान घाट में आत्माएं वास करती हैं और ज्यादातर आत्माएं महिलाओं को ही अपना निशाना बनाती हैं, इसलिए शमशान घाट में महिलाओं का जाना वर्जित किया जाता है। ऐसे ही अन्य बहुत से कारण हैं जिनके कारण महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है, वहां उनका जाना वर्जित है क्योंकि यहां जितनी भी दलीलें दी गई हैं वो धार्मिक आस्थाओं से सही हैं। और अगर आप लॉजिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वह सही ही नजर आती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी कहानी या रहस्य हो तो हमारे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके प्यारे चैनल द हंटेड अर्थ इंडिया के सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा जिससे कि हम आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस इसी तरह लाते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।